नमस्कार। बुढ़ाना में सर्व समाज के लोगों ने जो संदेश दिया है वह समूचे प्रदेश और देश के लिए बड़ा पैगाम है। दो दिन पहले नगर पंचायत अध्यक्ष के तीन उम्मीदवारों ने प्रेस वार्ता कर एक ऐसा ऐलान किया था जिसकी समाज और सियासत में कोई जगह नहीं हो सकती, और अगर जगह है तो समाज को तोड़ने वाली ताकत तो और आप में कोई फर्क कहां रह जाता है। यही बात 10 दिसंबर को हुई सर्व समाज की संयुक्त प्रेस वार्ता में कही गई। दरअसल खुद को तीन उम्मीदवार बताने वाले एहतेसाम, तौसीफ राही और नवाब इम्तियाज ने 8 दिसंबर को एक प्रेस वार्ता की थी। एहतेसाम सिद्दीकी ने कहा था कि सपा रालोद गठबंधन से टिकट हम किसी मुस्लिम का ही हो, अगर किसी और का टिकट हुआ तो हम विरोध करेंगे और गठबंधन की बगावत कर चुनाव लड़ा जाएगा। इस पर मुस्लिम समाज के लोग ही बिफर गए थे। उनका कहना था कि समाज को बांटने वाले बयानों से साफ है कि ये किसके फायदे की बातें बोल रहे हैं। 10 दिसंबर को बुढ़ाना में सर्व समाज की संयुक्त प्रेस वार्ता हुई। इसमें सर्व समाज से बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए। सभी ने एक स्वर में कहा कि खुद को उम्मीदवार बताने वाले हमारे ठेकेदार नहीं है। क्या इन तीन ने ही गठबंधन को वोट दिया था या इन तीन के कहने पर हमने गठबंधन को वोट दिया था? गठबंधन जिसे भी टिकट देगा उसे हम सभी मजबूती से चुनाव लड़वाएंगे, चाहे टिकट किसी हिंदू को मिले चाहे किसी मुसलमान को मिले। और एहतेसाम सिद्दीकी, तौसीफ राही और नवाब इम्तियाज को गठबंधन के विरोध की बात करने पर पार्टी से निकालने की मांग भी हाई कमान से की गई है। लोगों ने कहा है कि समाज को बांटने वालों का असली चेहरा सामने आ गया है। सर्व समाज की इस पहल की पूरी जिले में चर्चा है।